यहाँ जम्मू कश्मीर के बारे में हम यहाँ से सीखने वाले हैं, क्योंकि अभी अगर आप बात करें 31 अक्टूबर 2019 की बात करें, यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी उससे पहले उसको यूटी के अंदर चेंज करा गया, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर का मैप आपको देखने को मिलेगा। लद्दाख एक अलग यूटी बन गया, जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी बन गया, और इस तरीके से यहाँ पे दो यूटी बन गई। और इसी के साथ हमारी अगर पूरी यूनियन टेरिटरीज की बात करें इंडिया के अंदर, तो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज होगी। हम यहाँ पे सबसे पहले जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करें, जो सबसे मींस इंपॉर्टेंट हमारे लिए जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से है, बात करें इसको पैराडाइज ऑन अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और ये लेक्चर्स आपने पीछे यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जब मैंने हिस्ट्री शुरू करी थी उसके अंदर भी कुछ आपको इसी प्रकार की स्लाइड देखने को मिली थी। कुछ यहाँ पे नई एडिटिंग हुई है, आप ऐसा ना सोचें कि कुछ एडिट नहीं करा गया, न्यू इन्फॉर्मेशन को गैदर करा गया है, उसको आपके लिए यहाँ पे लाया गया है। डेफिनेट इट्स गोना हेल्प यू। उसके बाद अगर बात करें इसको क्राउन ऑफ द इंडियन यूनियन भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप बात करें इंडियन मैप की बात करें तो अगर नॉर्दर्न मोस्ट अगर स्टेट या यूटी कोई आता है तो वो यहाँ पे लद्दाख के साथ आपका जम्मू कश्मीर आता है, इसीलिए इसको क्राउन ऑफ द इंडियन यूनियन भी कहा जाता है। बात करें ओनली यूनियन टेरिटरी जिसकी, अभी यहां पे आपको टू कैपिटल्स आपको देखने को मिलेगी, विंटर कैपिटल आपको जम्मू देखने को मिलेगी और समर कैपिटल यहां पे आपको श्रीनगर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां पे अगर बात करें लद्दाख की बात करें, लेह और लद्दाख की बात करें, यानी करगिल और लेह जिसमें दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वहां पे इसको भी एक अलग से यूटी बनाया गया है। बात करें इसको लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन मेरा ये यानी यहाँ पे मेरी ये ड्यूटी बनती है कि एक बार मैं आपको क्विक रिविजन देते हुए चलूँ। बात करें जम्मू कश्मीर जो है वो फेमस किसके लिए, जम्मू स्पेशली फेमस है टेम्पल्स के लिए। और अगर बात करें अगर आप कश्मीर की बात करें तो कश्मीर अपने लेक्स गार्डन्स और अपने पैनोरमिक ब्यूटी के लिए, खूबसूरती के लिए काफ़ी मशहूर है। अगर बात करें 2011 की सेंसिस के हिसाब से बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो लिटरेसी रेट था 67.16% था अकॉर्डिंग टू 2011 जो पॉपुलेशन सेंसिस हुआ था उस टाइम, उसके मुताबिक 67.16% यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर क्या था, लिटरेसी रेट था। अभी ये थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, उसको आप रिसेंट डेटा के हिसाब से भी मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की हेल्प करूँगा। बात करें कुछ इंडस्ट्रीज की बात करें जिससे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी चलती है, जैसे आप हॉर्टिकल्चर की बात करें, फ्लोरिकल्चर की बात करें, हैंडलूम्स की बात करें, हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, टूरिज्म की बात करें, या फिर कोई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ही क्यों ना हो हमारे जम्मू कश्मीर में वो भी पाई जाती है। जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें, सेरिकल्चर की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करें, तो आप सभी को पता है ये भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। और अभी कुछ यहाँ पे मेडिकल सिटीज को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे हमारे जम्मू के अंदर मीन्स ये क्या करा गया है, ये ऑर्डर करा गया कि इनको लॉन्च किया जाए, 2 सिटीज इन जम्मू। ये आपको अगर आप करंट अफेयर्स के साथ काफी अटैच हैं तो आपको ये इंफॉर्मेशन पहले ही ऑलरेडी मिल चुकी होगी। अब यहां पे कुछ हम ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को जानते हैं जो अभी करंट अफेयर के अंदर है। बात करें यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात की बात करें, अगर आप बात करें यूनियन टेरिटरी हमारी जम्मू कश्मीर है, बात करें इसकी डेट ऑफ फॉर्मेशन अगर आप स्टेट की बात करें तो 26 अक्टूबर 1947 को ये क्या बनी थी, ये हमारी स्टेट बनी थी जो इंडिया का एक पार्ट बनी थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत, जो महाराजा हरि सिंह और जो माउंटबेटन थे उस टाइम उन्होंने ये एक्सेशन करा था। उस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाया गया था और इंडिया का ये पार्ट बना था। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजिंग करी गई, वो डेट 5 अगस्त 2019 जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन बिल को पास करा गया, उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूटी का दर्जा मिला। बात करें कैपिटल की तो आपको कैपिटल मैंने बता दी, और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारे जम्मू कश्मीर में आपको यहाँ पे 20 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, देखो यहाँ पे आफ्टर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेचर टाइप है वो बाई कैमरल से अभी यूनिक कैमरल के अंदर चेंज हो गया। इट मींस वी हैव यूनिक कैमरल लेजिस्लेशन इन अवर जम्मू कश्मीर यूटी। अगर इसकी टर्म की लिमिट की बात करें तो 5 ईयर्स इसका लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड रहता है। रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करें जिसने क्या करा था, जम्मू कश्मीर को दो यूटी के अंदर डिवाइड करा था। बात करें यूटी विद लेजिस्लेचर की बात करें वो जम्मू है और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर है, तो ये सिर्फ आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें प्रेसिडेड बाय जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इससे पहले जो असेंबली थी वो कौन सी थी, उसका नाम क्या था, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद अगर आप एट प्रेजेंट अभी लेफ्टिनेंट हमारे गवर्नर कौन से हैं, वो मनोज सिन्हा है। आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है कि हमारे जो सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के वो कौन थे, आप जरूर कमेंट में मेंशन करें। उसके बाद अब लास्ट इलेक्शन की बात करें तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेना। उसके बाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट कितनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पूछा गया जेकेएसएसबी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, एक बार फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं। राज्यसभा की अगर बात करें यहाँ पे 4 सीटें हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, और लोकसभा की आपको यहाँ पे 5 सीट्स आपको जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर देखने को मिलेंगी। हाई कोर्ट की बात करें तो अभी इसका नाम यहाँ पे चेंज करके हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रखा गया है। पहले हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर होता था, लेकिन अब इनको 2022 के अंदर ही जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के नाम से इसको मीन्स इसका नया नाम रखा गया है। अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो आप सभी को पता है एक ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 में पास हुआ था, जिसके मुताबिक हमारे जम्मू एंड कश्मीर की अभी 5 यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हैं। पहले तो आपके पास यहाँ पे उर्दू देखने को मिलता था,
डोगरी देखने को मिलती थी, कश्मीरी देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसके साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश भी आपकी जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर करी जा रही है, करी जाती हैं। उसके अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, तो अगर इसके अंदर बात करें जो 2020 और 21 का जो नीति आयोग के द्वारा रिलीज करा जाता डेटा, उसके अंदर यहाँ पे जम्मू कश्मीर फ्रंट रनर थे। इसके बारे में आपको पूरे अच्छे तरीके से किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि फ्रंट रनर किस तरीके से किस मींस वैल्यूज के अंदर आता है 65-99 के बीच में। बात करें जम्मू कश्मीर की जो पोजिशन थी वो 66 नंबर पे थी, और इसी के साथ लद्दाख भी इसके साथ ही स्टैंड करता था 66 मींस यहाँ पे रैंक पे। अगर बात करें डिलिमिटेशन एक्ट की बात करें, काफ़ी चर्चा में है और अभी कंप्लीट शायद हो रहा है डिलिमिटेशन कमीशन, जो जम्मू कश्मीर के द्वारा मीन्स यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा से डिमार्केशन पर्पस के लिए किया गया था। अब इसका क्वेश्चन अगर बनेगा तो बनेगा कि इसका हेड कौन है, डिलिमिटेशन जो कमीशन चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर उसका हेड जो कौन है, वो रिटायर्ड जो जस्टिस ऑफ इंडिया मीन्स यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई, और उसके साथ जो दूसरे मेंबर्स हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा शर्मा एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा, इनके द्वारा यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर को हेड किया जा रहा है। अगर बात करें यूनेस्को क्रिएटिव सिटी, यहाँ पे अभी आपको नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा जो UCCN के नाम से जाना जाता है, इट मीन्स यूनेस्को क्रिएटिविटी क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, जो श्रीनगर को अभी यहाँ पे नॉमिनेट करा गया है, इसको यहाँ पे डिक्लेयर करा गया है। उसके बाद यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें, इसका काम क्या था, किसको दोबारा से असेंबली सीट्स को रिड्रा करना था, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज को दोबारा से इसको रिड्रा करना था और असेंबली सीट्स को इसको दोबारा से अरेंज करना था, जिसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू रीजन में यहाँ पे पहले 37 थी, उसके अंदर 6 सीटों की और एडिशन हुई और अभी यहाँ पे आपको 43 असेंबली सीट्स आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगी, और कश्मीर रीजन के अंदर एक यहाँ पे असेंबली सीट की इंप्रूवमेंट हुई है, एक बड़ी है, पहले 46 थी, अभी यहाँ पे 47 कर दी गई है। इसके अंदर यहाँ पे कुछ रिजर्व सीट्स जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए एससी के लिए 7 यहाँ पे रिजर्व सीट रखी गई हैं, और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पे 9 रिजर्व सीट रखी गई हैं, और कश्मीर पंडित के लिए 2 रिजर्व सीट रखी गई है। तो ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बात करें डिलिमिटेशन कमीशन, जब मैंने अभी बताया आपको जो जस्टिस रिटायर रंजना प्रकाश देसाई थे उनके द्वारा यहाँ पे इसको हेड करा गया है, उसके साथ दूसरे चीफ इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स थे जैसे सुशील चंद्र शर्मा और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के मीन्स यहाँ पे के शर्मा, इनके द्वारा इसको प्रेजिडाइड करा गया है। उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के कुछ सिंबल्स की बात करें, तो स्टेट एनिमल यहाँ पे अभी हमारा हंगुल है, जिसको आप कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं। उसके बाद स्टेट बर्ड अभी चेंज हो गया हमारा, और वो कौन सा है, खाला जी फीजेंट, यहाँ पे हमारा अभी जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड है। स्टेट ट्री की बात करें चिनार, यहाँ पे हमारा स्टेट ट्री है। फ्लावर की बात करें द लोटस, हमारा यूटी फ्लावर या स्टेट फ्लावर ऑफ जम्मू कश्मीर माना जाता है। उसके बाद यूटी फ्लैग की बात करें, तो पहले हमारे पास एक डिफरेंट फ्लैग होता था, लेकिन अब यहाँ पे नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया विद ट्राइकलर इज ओवर यूटी फ्लैग ऑफ जम्मू कश्मीर, हमारी यूनियन टेरिटरी का जो फ्लैग है वो ये है। अब टोटल एरिया की बात करें, तो पहले काफ़ी इसका एरिया था, लेकिन अभी इसका एरिया भी काफ़ी चेंज हुआ है। अगर इसके एरिया की बात करें, तो अभी यहाँ पे पूरे जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो 222,236 स्क्वायर किलोमीटर था, लेकिन अगर आप जम्मू की बात करें तो 42,241 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे आपको इसका टोटल एरिया आप देखने को मिलेगा। अगर आप जम्मू कश्मीर यूटी के नेबरिंग स्टेट या यूटी की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और यहाँ पे इसके नॉर्दर्न साइड में आपको लद्दाख यूटी आपको देखने को मिलेगा, ये इसकी नेबरिंग स्टेट्स हैं। उसके बाद अगर आप जम्मू कश्मीर के साथ नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, तो अफगानिस्तान लगता है, लेकिन अब इसको कंसिडर नहीं करा जाता क्योंकि वो POK के अंदर आता है, इसीलिए नेबरिंग कंट्री यहाँ पे आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगी। कई ज़्यादा बुक्स पे यहाँ पे अफगानिस्तान भी मेंशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद खाली मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, लद्दाख की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं लद्दाख की बात करता तो डेफिनेटली यहाँ पे चाइना भी आता। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे अगर बात करें चिनाब की बात करें, झेलम की बात करें, तवी की बात करें, रवि की बात करें, उसके बाद काफ़ी दूसरे भी रिवर्स हैं, हम सभी की हम यहाँ बात करेंगे जब हम जम्मू कश्मीर के जियोग्राफिकल रीजन की बात करेंगे, उसके साथ साथ रिवर्स की बात करें, तो ये सभी चीज़ें मैं बहुत ही आपको एलोबरेटिव वे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद नेशनल पार्क, यहाँ पे 4 नेशनल पार्क हैं। अगर आप यहाँ पे सिटी फॉरेस्ट, जिसको आप सलीम नेशनल पार्क में विजिट, जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, डच्चीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और काजी रंगा नेशनल पार्क या काजीनाग नेशनल पार्क इसको कहा जाता है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे हेमिस जो नेशनल पार्क थी जो लद्दाख के अंदर आती है, उसको आप जम्मू कश्मीर जब से डिवाइड हुआ है यूटीज़ के अंदर, उसके बाद जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर सिर्फ 4 ही नेशनल पार्क बची हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, तो 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको देखने को मिलेगी और कंजर्वेशन रिजर्व्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो 30 आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करें हाईएस्ट एलिवेशन की बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आपको नून पीक आपको देखने को मिलेगा, जिसकी हाइट आपको लगभग मीन सी लेवल से 7135 मीटर आपको देखने को मिलेगी। अब लोवेस्ट एलिवेशन की बात करें तो चिनाब रिवर है, जिसकी लोवेस्ट एलिवेशन यहाँ पे लगभग आपको 247 मीटर आपको देखने को मिलेगा सी लेवल से। टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करें अगर जम्मू कश्मीर के अंदर, 20,230 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आपको यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट एरिया जम्मू कश्मीर यूटी का आपको देखने को मिलेगा।
किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है तो वो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको ये याद रखना है। सबसे ज़्यादा अगर डोडा में है तो ये भी क्वेश्चन हमें जानना जरूरी है कि सबसे कम फॉरेस्ट आपको श्रीनगर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट पीक ऑफ यूटी नन पीक आपको देखने को मिलेगा। एनुअल रेनफॉल जो जम्मू कश्मीर के अंदर होती है वो 103 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी, जो सालाना बारिश यहाँ पे पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश पड़ती है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको याद रखना है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो रियासी डिस्ट्रिक्ट है। रियासी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और अगर आप क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की बात करें जो कूपन्स के द्वारा दी गई थी, इस बार की बात करें अगर आपने यूपीएससी 2022 और जेकेएस 2022 एग्ज़ाम दिया है तो जेकेएस के अंदर काफ़ी ओपनली मेंशन था आंध्र प्रदेश वाली साइड से कि यहाँ पे कूपन क्लासिफिकेशन का कौन सा ये मीन्स जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन यहाँ पे मीन्स शूट करती है। जिसी तरीके से लद्दाख डिवीजन के अंदर DWD जो यहाँ पे DWD अगर आपने कूपन्स क्लासिफिकेशन जियोग्राफी के अंदर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा DWD एक्सट्रीम कोल्ड एंड ड्राई विंटर एंड शॉर्ट कूल समर के लिए ये मेंशन किया जाता है। उसके बाद हिली पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन के अंदर अगर आप बात करें तो वहाँ पे आपको कूपन्स क्लासिफिकेशन का जो सिंबल है DFB, इसको मैं आपको जियोग्राफी के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से समझा भी चुका हूँ, आगे आने वाली लेक्चर्स के अंदर भी अगर टाइम काफ़ी अच्छा मिला तो हम डेप्थ में ना जाते हैं, इनको भी अच्छे तरीके से समझेंगे। DFB का मतलब है ह्यूमिड कंटिनेंटल विद सिवियर एंड मॉइस्ट विंटर एंड शॉर्ट समर, यानी यहाँ पे आपको कंटिनेंटल की बात करें जमीन थोड़ा सा आपको ह्यूमिड टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है और मॉइस्ट विंटर आपको देखने को मिलता है और शॉर्ट समर्स आपको काफ़ी कम देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे जल्दी आपको बर्फ आ जाती है, इसीलिए शॉर्ट समर्स यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद बात करें अगर जम्मू के प्लान रीजन की बात करें तो यहाँ पे CA कूपन्स क्लासिफिकेशन का CA रहता है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे काफ़ी कम यहाँ पे मॉइस्ट विंटर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे ज़्यादा आपको लंबे लंबे गर्मियाँ आपको देखने को मिलती है, लॉन्ग हॉट समर्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ काफ़ी कम यहाँ पे मॉडरेट टाइप की रेनफॉल आपको देखने को मिलती है और कभी कभी हैवी रेन्स भी आपको देखने को मिलती है, जैसे अगर बात करें मंथ ऑफ जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर बात करें तो यहाँ पे आपको बारिश भी देखने को अच्छी मिलती है। बात करें यहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट्स की बात करें, सलाल डैम की बात करें और ये चिनाब रिवर के ऊपर अगर जितने भी हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट हैं उनकी बात करें तो सलाल डैम, बघलियार डैम, दुलहस्ती प्रोजेक्ट जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ये भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, सावलाकोट डैम यहाँ पे अभी इसकी कंस्ट्रक्शन यानी रियासी और रामा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री पे है। उसके बाद पकुलडुल पावर प्रोजेक्ट अगर बात करें किश्तवाड़ के अंदर, ये किस रिवर पे सिचुएट करता है ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जो रेटले और पकुलडुल पावर प्रोजेक्ट है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन रिवर कौन है, मरुसुधर रिवर है जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर है। चिनाब के ऊपर पकुलडुल पावर प्रोजेक्ट नहीं बनाया जा रहा, आपको याद रखना है कि चिनाब की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम मरुसुधर रिवर है उसके ऊपर ये पकुलडुल पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो 1000 मेगावाट का है। उसके बाद रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी की बात करें तो 850 मेगावाट की है। बात करें ये यहाँ पे रन ऑफ जो वाटर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ये कहाँ पे चिनाब रिवर के ऊपर है। बात करें ये ध्रुवशाला जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वहाँ पे ये बनाया जा रहा है। बात करें नेशनल हाईवे की बात करें हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर तो आपको यहाँ पे NH 44 जो कश्मीर टू कन्याकुमारी है, उसके बाद NH 244 और नेशनल हाईवे 1D आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद रामसर साइट्स ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करें तो वलूर लेक, होकरा वेटलैंड्स, सरनासर एंड मानसर और दूसरी भी अभी यहाँ पे आपको रामसर साइट्स ऑफ जम्मू कश्मीर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जो अभी एट प्रेजेंटली जो आपका अमृत महोत्सव था इन 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जिसके तहत यहाँ पे 75 यहाँ पे रामसर साइट्स पूरे इंडिया की बनाई गई, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर भी 3 और ऐड करी गई हैं, वो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगर रिवर्स की बात करें तो झेलम चिनाब रिवर ये हमने बात करी। अब यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन कौन सी है तो आपको ये याद रखना है कि डल लेक हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो इको सेंसिटिव जोन है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स की बात करें, ये मैंने पहले भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ, अगर आप बात करें प्लेलिस्ट में जाएं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के ऊपर एक वीडियो है उसके अंदर सभी मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ाई है। कनी शॉल यहाँ पे जो कश्मीर का है, कश्मीरी पश्मीना इसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। कश्मीर पेपर मैची यहाँ पे इसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। कश्मीर वॉलनट और वुड कार्विंग ये भी इसको भी जो वॉलनट की जो अखरोट की लकड़ी पे बनाई जाती है जो कार्विंग करी जाती है यानी तराशी की जाती है उसके ऊपर बात। उसके बाद खटम बंद ये भी ऐसा एक जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिल चुका है। उसके बाद अगर आप डेमोग्राफी की बात करें जम्मू कश्मीर यूटी की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 तो सेक्स रेशो की बात करें 889 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है वो जम्मू है और अगर डेंसली पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो गांधराबल है, आपको यहाँ पे 1151 पर्सन पर किलोमीटर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल लिटरेसी रेट 67.16% आपको देखने को मिलेगी।
सबसे ज्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जम्मू आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 83.98% आपको लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा। और इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो आपको रामबन देखने को मिलेगा और 56.90% आपको इलिटरेसी आपको यहाँ पे, यानी लिटरेसी आपको रामबन डिस्ट्रिक्ट की देखने को मिलेगी, जो लोवेस्ट लिटरेसी रेट आप जम्मू एंड कश्मीर यूटी के किसी डिस्ट्रिक्ट की है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशो कुलगाम एंड शोपियां। उसके बाद आप सभी को पता अभी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स गोल, जो डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स जो डेवलपमेंट गोल्स थे वो लॉन्च करे गए थे, जिसके अंदर जम्मू ने टॉप करा था, उसके बाद डोडा ने उसको फॉलो करा था। इसके ऊपर भी हम डिस्ट्रिक्ट मीन्स वाइज जो डिस्ट्रिक्ट को रैंक मिले उनके ऊपर अच्छे तरीके से बात करेंगे, जिस टाइम हम करंट अफेयर कवर करेंगे जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद यहाँ पे अगर निकनेम्स की बात करें जो जम्मू एंड कश्मीर सिटीज़ के अंदर आती हैं, जैसे श्रीनगर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है, कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसके बाद जम्मू को सिटी ऑफ टेंपल्स के नाम से जाना जाता है, सियाचिन ग्लेशियर को हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड माना जाता है, स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया कश्मीर को माना जाता है, जम्मू हिल्स यहाँ पे शिवालिक रेंज के अंदर आती है, मीडो ऑफ गोल्ड गुलमर्ग को कहा जाता है, वेनाइस ऑफ ईस्ट यहाँ पे श्रीनगर को कहा जाता है, राइस बोवल ऑफ कश्मीर कुलगाम को कहा जाता है, विलेज ऑफ शिफर्ड्स पहलगाम को कहा जाता है, और लैंड ऑफ स्प्रिंग्स बडगाम को कहा जाता है, और छोटा कश्मीर आपको पता है भद्रवाह को कहा जाता है। तो ये सभी आपको ये याद रखनी है।